हेलो वेलकम टू मांस वर्ल्ड उम्मीद आप सब ठीक होंगे आपकी फिशेस भी ठीक से होंगी आज मैं आया हूँ जे बी ये लालू खेत पे एक बहुत बड़ी शॉप है उधर की सबसे बड़ी शॉप है और इसमें थोड़ी शिपमेंट भी आई हुई हुई थी तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या था बेटा के कलेक्शन इधर आए हुए हैं अच्छे अच्छे डिफ क्योंकि मुझे बेटा में इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे पसंद नहीं है तो मुझे नहीं पता कि कौन सी बेटा होती है क्या नाम होता है बाकी टैंक्स वगैरह इनके पास हर किस्म के टैंक्स मौजूद हैं इनके पास जो फिशेस हैं वो सारी रेयर और अच्छी फिशेस हेल्दी हर साइज़ में बहुत अच्छी क्वांटिटी में हर क्वालिटी की फ़िश है ये बिग साइज़ में ये मोर गोल्ड फ़िश है ब्लैक होती है ये। बाकी औरंडा है इनके पास औरंडा भी अच्छे साइज़ में इनके पास तीनों फैमिली से हैं सिकलेट है ट्रॉपिकल सारी फिशेस हम इन शॉप में मिल जाती हैं बाकी डिकस आप वीडियो में देख रहे हैं इसके अंदर दो साइज़ दो से तीन साइज अवेलेबल हैं ये लार्ज साइज़ है जो कि जिस इस फिश को एक्म का क्वीन कहा जाता है नीचे भी आप देख सकते हैं डिस्कस डिफरेंट दिफ, दिफ, डिफरेंट कलर्स के अंदर है और इधर सबसे क्यूट था फिश मुझे ये दिखा फ्लावर हॉर्न थाई सिल्क जो कि मेरे पास भी है लेकिन अभी वो छोटा है तो वैरायटी आप देख सकते हैं हर किस्म की वैरायटी है ऑस्कर के बेबीज़ हैं और आप साइज़ देखें कितना ह्यूज है गोल्ड फिश के अंदर मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि इस शॉप पे ज़रूर चक्कर लगाएं और अपनी पसंद की फ़िश ख़रीद के जाएं और बहुत अच्छी वैरायटी अभी आई हुई है तो ये एक और था सेल के यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत फ्लावर हॉर्न है मुझे बहुत पसंद है मैंने अभी रखा हुआ है जिसकी इंशाल्लाह शाला स्टार्ट करूँगा बाकी फ़िशज देख सकते हैं प्लांटेड फ़िश हो गई हर किस्म की फ़िश अभी इस शॉप पे मौजूद है और ये शॉप काफ़ी बड़ी है तीन शॉप कवर है दुकान की जो जे बी एक्म है और वैरायटी जो है जो आज मैं देखे वाकई बड़ा इंप्रेस हुआ तो मैंने सोचा कि इधर से दो सिकलेट लें जो कि जे भी हमेशा आता हूँ तो मैं डॉल्फिन सिकलेट लाजमी लेके जाता हूँ क्योंकि इधर अच्छी क्वालिटी में मुझे मिल जाती है और अच्छे प्राइस में भी मिल जाती है तो डॉल्फिन के साथ साथ मैंने एक और ऑरेंज पिकॉक भी, भी लिया है क्योंकि सिकलेट टैंक के अंदर मैं अब कुछ और फिशेज़ ऐड करूँगा क्योंकि उन लोग की सेटिंग अभी नहीं बैठ पा रही ज़्यादा फिश होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकी आप देख सकते हैं प्लान्टड सेटअप भी मौजूद है यहाँ पर एक जो एक्यूर की सारी तमाम एसेसरीज इनके पास मौजूद है फीड भी तो चलें हम स्टार्ट करते हैं ये अब्दुल रहमान है ये निकाल के दे रहा है हमें फ़िश और इसका ये बहुत मुश्किल टास्क था इसने कहा था भाई इधर से निकालना बहुत मुश्किल है लेकिन उसने कहा कि मैं निकाल लूँगा तो ये अब्दुल रहमान सक्सेस हुआ अपनी फ़िश निकालने में आराम से और इधर से हमने ले लिया डॉल्फिन सिकलेट दूसरे टैंक से हम लेंगे ऑरेंज पीकॉक ऑरेंज पीकॉक पसंद मुझे करना था क्योंकि इसमें कुछ फीमेल जो होती है वो ज़्यादा कलर नहीं होता और सिकलेट टैंक के अंदर आपको सारे मेल रखने ये तो तमाम हॉबी को पता ही है तो ये हमने पीकॉक पीकॉक ऑरेंज पीकॉक सिकलेट ले ली और देख सकते हैं आप कितना ये एक्टिव और कितना खूबसूरत कलर है इसका क्योंकि टैंक के अंदर बहुत ब्लू ब्लू फिशेस हो गई थी तो मैं सोचा अब येलो ऑरेंज डाल लूँ उसके बाद इंशाल्लाह येलो डालूंगा तो इसको हमने पैक करा लिया और अब इसमें डाल देगा अब्दरहमान ऑक्सीजन ऑक्सीजन डालने के बाद हम उसको लेके आ जाएंगे डायरेक्ट अपने घर तो हमारी सिकलेट्स आ गई हैं हमारे घर पे हमारे फ़िश रूम के अंदर इसको हम सबसे पहले खोल लेंगे खोलने के बाद हम पानी के ऊपर इसका टेम्परेचर एक्मिनेट कर जरूर कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है ख़ास और विंटर में तो बहुत ज़रूरी है तो ये हमने फिश खोल ली अब डालते हैं इसको हम अपने टैंक के अंदर और छोड़ देंगे दस से पंद्रह मिनट ताकि पानी अच्छी तरह मैच हो जाए जो टेम्परेचर वगैरह है बाकी देखते हैं कि दूसरी सिकलेट्स का क्या रिएक्शन होता है लेकिन देखें सारी आके देखने लग गई हैं क्योंकि एक एक डॉल्फिन का बड़ा कोई बदमाशी चल रही थी तो ये उस डॉल्फिन से बड़ी डॉल्फिन है मतलब मुझे उससे बड़ी लग रही है तो अब देखते हैं कि टैंक में क्या होता है टैंक बॉस की लड़ाई बहुत ख़राब होती जा रही थी तभी हमने और इसमें टैंक मेड्स डाल दिए इन लोग के तो अब इनको रिलीज़ करता हूँ मैं अपने टैंक के अंदर तो सबसे पहले एंट्री लेती है हमारी पीकॉक सिकलेट उसके बाद डॉल्फिन अब बस शुरू के अंदर थोड़ी एग्रेशन होगी क्योंकि जब नई नई फिश आती है तो दूसरी फिश पे एग्रेशन दिखाती हैं लेकिन साइज़ देखें साइज़ तकरीबन सबका उन्नीस बीस है तो ये आपको रखना है अभी इनके टैंक बॉस की फिर से एक लड़ाई शुरू हो जाएगी लेकिन हिडन प्लेसेस वगैरह हमारे टैंक के अंदर मौजूद हैं तो इन सरवाइव हो जाएगा क्योंकि अभी तक जो जो लड़ाइयाँ हो रही थी सिकले टैंक के अंदर अगर उसको देखा जाए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंजरी कोई इंजरी नहीं आई कोई फिश के फैन वगैरह डैमेज नहीं हुए तो मतलब हमारे हिडन प्लेस सही से काम कर रहे हैं जो हमने बनाया फिशेस उसको सही से यूज़ कर रही हैं तो देख सकते हैं डॉल्फिन या पे लेफ्ट देखें लड़ाई भी शुरू हो चुकी है और जो इसमें थोड़ा आपको बड़ा डॉल्फिन दिख रहा है अभी लाया हूँ बाकी इस ऑरेंज पीकॉक को देखें कितना खूबसूरत है इसका पैटर्न वगैरह हर चीज़ में परफेक्ट है ये तो इन देखें अब ऑरेंज तो हो गई अब इन इसमें येलो या कोई दूसरे दूसरे कलर की भी सिकलेट्स मैं ऐड करूँगा बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेगा और मुझे सजेस्ट भी करा करें कोई चीज़ कमी हुआ वीडियो में कोई चीज़ आप चाह रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनवाना तो मुझे उसका भी कमेंट करा करें मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह सपोर्ट करते रहें इन चैनल भी ग्रो होगा और हमारी हॉबी भी इस तरह ग्रो होगी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ